हम आपको एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित कलरी गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 2300 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो बहिन ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान पुष्पेंद्र सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में 5 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 114 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 7 सेंसिटाइज रोड, 4 खडंजा, स्कूल में शौचालय तथा कब्रिस्तान का चबूतरा तथा पंचायत घर का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 14 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 50 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 60 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालय, पानी निकासी के लिए 3 नाले का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, बिजली घर, पानी की टंकी, आंगनवाड़ी केंद्र, 10 सीसी टाइल्स रोड तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं पुष्पेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान कलरी, विकास खंड सरसावा, जिला सहारनपुर। अब तक लगभग मैंने 3 जो है सीसी टाइल्स करवाई, रोड लगभग 7 रोड सीसी करवाई, 3 रोड खरौंजे करवाए और स्कूल में इंटरलॉकिंग करवाई सीसी टाइल्स। स्कूल का मुख्य द्वार लगवाया, पंचायत घर रिपेयर करवाया और ये स्कूल में 2 लैट्रीन, 2 बाथरूम, लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करी और उसमें जो है एक समर्सिबल की व्यवस्था करवाई स्कूल में, जिससे जो है पानी की टंकी की व्यवस्था हुई और वाश बेसन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा दिया। अभी थोड़ा बाकी है, टाइल वगैरह लगानी उसमें, अभी शुरू करेंगे। और जी लगभग 60 LED लाइटें लगवाई खंभों पर और एक सौदा गृह निर्माण करवाया, एक चबूतरा हमने कब्रिस्तान में नमाज अदा के लिए बनवाया और रोड क्रॉसिंग भी हैं, कुछ स्लेब डलवाए एक दो जगह हमने नालियों पर। और आने वाले समय एक हमने जो है नलका रिपोर कराया, एक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से भी बनवाया और हमने 5 लैट्रिन मनरेगा के तहत बनवाई, लगभग 2 तालाब खुदवाए मनरेगा के तहत, लगभग 800-900 मीटर रास्ते पर मिट्टी डलवाई और एक गांव सगुलापुर गांव में पानी की निकासी के लिए नाला खुदवाया लगभग 400 मीटर लंबा मनरेगा के तहत। और अभी हमारी जो योजना है आने वाले समय में हम चाहते हैं लगभग 2000 मीटर लगभग सीसी डलवाएं। अभी एक सौदा गृह निर्माण होना है और जी लगभग 5 हैंडपम्प नए की हम व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। इसके बाद लगभग 10 प्रधानमंत्री आवास की भी हम मांग कर रहे हैं। हमारे गांव में पेंशन के फार्म अभी हम नेट से डाउनलोड करवाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जल्दी ही हम इनको नेट से अपलोड करा देंगे, जिससे कि सभी को पेंशन, चाहे वो विकलांग हो, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, पूरी कोशिश करेंगे।